जी मैं कुपवारा के अपराडा इलाके से मेरे साथ इस वक्त 5 साल का बच्चा लाइव ज्वाइन कर चुका है, जो पिछले 2 साल से ब्रेन ट्यूमर बीमारी से जूझ रहा है और बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहा है। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद इस परिवार तक कुछ मदद पहुंचेगी, ताकि इस बच्चे का जो ब्रेन ट्यूमर है वो ठीक हो जाए। तो इनके वालिद साहब और इनकी जो माता जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा सर, आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और क्या कुछ मुश्किलों से बच्चा इस वक्त गुजर रहा है? कब से हुआ है ये बीमारी? जी, ये आराम दो से बोलिए। हाँ 2019 से होया है, तो जी बाद में 19 से पता लगा। उसके बाद जी मैंने टेस्ट और डॉक्टर डॉक्टरों के करवाया, उन्होंने बोलिए। बोला कि ब्रेन ट्यूमर है, तो इसको कोर्स के लिए दवाई रखी तो, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी करने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मेरे पास कभी दिहाड़ी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, जी और तो मैं इनकी माता गरीब जी बंदा भी हूँ। मेरे जी इनकी तो मम्मी भी ये मकान मेरा मौजूद भी हैं दिख रहा है, मकान भी उनसे। नहीं, रहने के लिए जगह भी नहीं है, टाइम पास हो रहा है। जी इनकी मैं मम्मी, आप इस बच्चे इसके की मम्मी आसपास से नहीं। हैं जी। आप बताइएगा अपनी जुबानी की क्या कुछ डॉक्टर्स ने कहा है, किस तरह से इलाज होगा और क्या कुछ बताया जा रहा है? जी मैडम आवाज नहीं आ रही है पूरी। जी इनकी जो मम्मी है उनसे पूछिएगा कि क्या कुछ डॉक्टर्स द्वारा कहा गया है, और अपनी जुबानी बताइएगा कि आपके बच्चे को ये बीमारी से क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। भाई बोलो डॉक्टर ने क्या कहा? जी डॉक्टर बोल रहे हैं आप इसकी सर्जरी करो, हमारे पास ब्रेन ट्यूमर। पैसे, ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी करो, इसको दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा अगर कोई कोई मदद करेगा तो, हाँ अगर मदद करेंगे तो करेंगे तो हम इस बच्चे का इलाज बच्चे का ठीक से इलाज करेंगे। मजदूरी तो का हाँ, दिन करता है तो पति और मकान भी बच्चे नहीं। भी है, मकान भी नहीं है, ये बच्ची है और इनको खाना पीना भी ठीक से नहीं दे सकते हैं। क्यों दवाई में पैसे बच्चे के ऊपर लग जाते हैं। जी बिल्कुल, वहीं पर बताइएगा कि क्या आपकी अपील रहेगी, डॉक्टर्स ने क्या कहा, कितने पैसे लगेंगे और आपको कितनी मदद की जरूरत है? ऑपरेशन के लिए जी वो तो 2 लाख का बोल रहे हैं जी, ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए। जी तो आपका जो कोई कार्ड है, आपका गोल्डन कार्ड है जिससे आपने इलाज करवाने की जी कोशिश नहीं की? जी नहीं गोल्डन कार्ड नहीं आपका? बिल्कुल, जी नहीं तो हम इस कैप्शन में भी इनका अकाउंट नंबर डाल देंगे और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद जो है इन तक पहुंचे। तो कुछ आखिर में कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूंगी आप दिखा भी दीजिए ताकि लोगों को विश्वास भी हो जाए कि डायरेक्टली आप तक मदद पहुंचेगी, और साथ ही जो रिपोर्ट्स हैं बच्चे की वो भी आप दिखा दीजिए। जी तो वहां के सोशल जी मैं एक्टिविस्ट भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बताइएगा कि ये क्या कुछ आप शो कर रहे हैं, और ताकि लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो कि इस ये जो फैमिली है इसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैं इरशाद अहमद भट्ट हूँ, हाफड़ा से हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये है मेरा एक नेबर, इसका जो बच्चा है, इसका जो ये गवर्नमेंट SMHS हॉस्पिटल से प्रोविजनल डायग्नोज आया है कि ट्रोमा ड्यू टू फॉल, इसका ये ट्यूमर कुछ दिखा रहे हैं, हेड में कुछ ट्यूमर है इसके सर में। अब ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं कि इसकी सर्जरी करनी है इमिडिएटली, जो कि उसका कॉस्ट नियर अबाउट 2 लाख आता है, लेकिन इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, बहुत ही गरीब हैं। उनके पास ये मजदूर पेश आदमी है, मकान भी नहीं है इसके पास। मैडम आप देख सकते हैं ये है इसका मकान। तो बिल्कुल, आखिर में ये भी बताइएगा कि बच्चे को क्या कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उसका फिलहाल पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा। जी मैम बच्चा बिल्कुल मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, न चल पा रहा है ये है बच्चा, न बात कर पा रहा है ये है बच्चे की हालत। डॉक्टर बोल रहे इसी कारण नहीं बात कर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ड्यू टू ये जो इसका ये है मतलब ट्यूमर, इसी की वजह से इसका जो पूरी बॉडी है वो मतलब कोई फंक्शन नहीं कर रही है। जी मैडम जी बिल्कुल, हमारी शुक्रिया हमारे बहुत ज्वाइन करने के लिए। आखिर में मैं चाहूंगी उनके जो माता पिता हैं उनको बोल दीजिए, आप अपील कर दीजिए तमाम व्यूअर्स से कि थोड़ी थोड़ी मदद सारे करें, ताकि जी 2 लाख मैम रुपया यहाँ पे जमा हमारा हो जो सके। ये विलेज गार्ड है आशिक हुसैन मीर विलेज गार्ड, आप इनसे भी बात कीजिए। जी क्या अपील करना चाहेंगे सर, जिस तरह से इस फैमिली की हालत है क्या कहना चाहेंगे?
जी मैम, एक्चुअली इस फैमिली की हालत बहुत खराब है, ये एक्चुअली गरीब इंसान है, इनके पास गुजारा नहीं है। इनका जो बच्चा है इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहे हैं। ये एक्चुअली मजदूर बंदा है, इसमें दहाड़ी लगाता है और शाम को ये अपने बच्चों को खिलाता है। तो इसको अब हमारे मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जोशूर इंसान है, हम हर एक से गुजारिश करते हैं कि इसके अकाउंट में अगर कुछ जमा हो जाए कि ये अपने बच्चे का इलाज के माध्यम से। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद थोड़ी थोड़ी मदद करने के लिए सब आगे आएंगे। और अकाउंट नंबर हम आप देख रहे हैं, इनकी जो पासबुक है वो भी आपको दिखा रहे हैं, और कैप्शन में भी अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे ताकि इस परिवार तक मदद पहुंचे। एटलीस्ट 2 लाख रुपया जो ऑपरेशन के लिए मांगा जा रहा है वो ये जुटा सके, ताकि इनके बच्चे का, महज 5 साल का बच्चा है, इसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सके। तो शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, ग्राउंड से दिखाने के लिए सच्चाई, और बिल्कुल डायरेक्टली इन परिवार तक मदद पहुंचेगी। और उम्मीद करते हैं बच्चा जल्द सही सलामत हो जाए, क्योंकि फिलहाल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसे ब्रेन ट्यूमर है। और इसी उम्मीद के साथ इस परिवार को मदद पहुंचेगी। लूंगी इजाजत।